राजधानी में रणबांकुरे। गोमती किनारे सजेगा रक्षा का मेला। तहजीब की नगरी में हथियारों का बाजार। सत्तर देश होंगे शामिल। दुनिया देखेगी फौज की ताकत। लखनऊ में देश के रक्षक 5 फरवरी से राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शानदार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गोमती किनारे हो रहे एक्सपो में इस बार 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोमती के तट पर हथियारों का शानदार मेला लगने जा रहा है। क्या क्या खास होगा इस बार डिफेंस एक्सपो में, रिपोर्ट में देखिए। पांच फरवरी से 9 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, आपको बता दें, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस समय हम एक टैंक के ऊपर मौजूद हैं जिसका नाम है भीष्म, और आप यहां पे देख सकते हैं कि लगातार यहां पे एक भारी मात्रा में यहां पे टैंक खड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं से अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए यहां पर लाए गए हैं। और इन टैंकों का आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की जो ताकत है, हमारे देश की जो शक्ति है, वो कितनी मजबूत है। ये भारी भरकम टैंक वही है जो युद्ध के टाइम पे दुश्मन के अंदर घुसकर उस पर वार करते हैं और कहीं ना कहीं से एक विजय पाते हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी से ये डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है, जिसको लेकर लगातार टैंक अपने डेमो कर रहे हैं, लगातार जो उनके अंदर की एक शक्ति है उसको दिखा रहे हैं डेमो के माध्यम से। वो लगातार यहां पर लोगों के अंदर एक उत्सुकता है इस डिफेंस एक्सपो को लेकर। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम बात करें पूरे देश की, तो उसके अंदर एक उत्सुकता बनी हुई है। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं डिफेंस एक्सपो को लेकर। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा एरिया है जो डिफेंस एक्सपो के लिए तैयार किया गया है, जहां पे आप देख रहे हैं वज्रा टैंक भी रखा गया है, जहां पर आप देख रहे हैं सारथी टैंक भी रखा गया है, जहां पर आप देख रहे हैं T-90 T-20, तमाम ऐसे बड़े बड़े टैंकर हैं जिनको आपने शायद ही कभी देखा हो। और आज R9 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन टैंक को लाइव देख सकते हैं, और यहां पर इनका रोज डेमो किया जाता है। इनकी जो शक्ति है, इनको जमीन पर चलाया जाता है और दिखाया जाता है कि भारत के पास आखिर कितनी ताकत है, कि वो किसी से भी कमजोर नहीं है। हमारे साथ भीष्मा को चलाने वाले, या यूं कहें भीष्मा से लोगों के वार करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस टैंक की खासियत के बारे में जानते हैं, किस तरह का ये टैंक है और किस तरह से ये दुश्मनों के ऊपर वार करता है। ये टैंक T-90 भीष्मा है, इसको हम दुश्मन के खिलाफ दुश्मन के एरिया में अंदर घुस के मारने में ये सक्षम है। इसके द्वारा हम 4 प्रकार का अमुनिशन फायर करते हैं। इसके द्वारा हम मिसाइल भी इसके साथ हम फायर कर सकते हैं, जो दुश्मन को छक्के छुड़ा सकते हैं। इस समय मौजूद हूं मैं BMP टैंक के ऊपर, और आपको बता दें ये टैंक इतना भारी भरकम है, और इसकी ताकत के बारे में आपको बता दें, लगभग 4 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, वहीं ये पानी में भी तैर सकता है। आप देख रहे हैं इस टैंक को देख के आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस टैंक को जो चलाने वाले हैं वो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टैंक के अंदर जवान बैठते हैं और उसके बाद वार किया जाता है। एक में टैंक में ड्राइवर के बैठने की जगह होती है, वहीं इस टैंक में साथ साथ जो इसको चलाते हैं, कह सकते हैं कि मिसाइल से जो दुश्मनों के ऊपर वार करते हैं, आप देख सकते हैं इस दो जो जगह दी हुई है इसके अंदर बैठ के वो दुश्मनों को कह सकते हैं तरह से चकनाचूर कर देते हैं। जिस तरह इस टैंक की ताकत दी हुई है कि ये 4 किलोमीटर तक वार कर सकता है, पानी में तैर सकता है, और भी कई तरह की इसमें खासियत है। इस टैंक को चलाने वाले कह सकते हैं कि जो जवान हैं वो यहां पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये टैंक काम करता है और युद्ध के समय में आखिर इसका जो महत्व होता है वो क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए अंश जी, इसकी सबसे पहली खासियत ये है कि लड़ाई के दौरान जमीन पर चलता है, और कोई पानी या कोई नहर कुछ भी आ जाने के दौरान वो पानी में भी तैर सकती है। अच्छा, पहला इसकी गन के ऊपर एक मिसाइल लॉन्चर लगा है, इसकी रेंज 3 किलोमीटर है, और
ये दुश्मन के टैंक को भी बर्बाद कर सकता है। एक 30 mm गन लगी है जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अंदर एक ड्राइवर, एक कमांडर और एक गनर बैठता है जो इसको ऑपरेट करता है। जिस तरह से हमने आपको अभी तक डिफेंस एक्सपो के अंदर तमाम तरह के टैंक दिखाए जिसमें भीष्मा है, वज्रा है, वो कह सकते हैं जिनका एक भारी भरकम वजन होता है। और आपको बता दें इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये ब्रिज है, और जो टैंक जब जाते हैं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर अगर रास्ता खराब होता है या नाला पड़ जाता है या कह सकते हैं कुछ ऐसा रास्ता पड़ जाता है जहां पर से टैंक गुजर नहीं पाता है, वहीं पर ये ब्रिज बनाने का काम करता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर से टैंक आसानी से गुजर जाता है और वो अपने स्थान तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि इस टैंक को जो चलाते हैं, जो इस ब्रिज को चलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से ये काम करता है। ये 20 मीटर का नाला आ जाएगा कोई, तो इसके ऊपर इसको लंच करके इसके ऊपर आर्मर को बार करा देते हैं। अच्छा, तो कितने टैंक इसके ऊपर से गुजर सकते हैं या क्या इसका एक बता इसके ऊपर से 70 टन का कोई भी टैंक निकल जाएगा। अच्छा, आर्मर को पूरी निकाल सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ वहाँ पर भी ये साथ में आप लोग साथ में जाता है सर। हाँ जी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से अगर कहते हैं कि कहीं पर भी कोई नाला आ जाता है या कहीं पर भी किसी तरीके का एक कह सकते हैं ऐसा अवरोध उत्पन्न होता है कि जहां पर से टैंक गुजर नहीं सकता है वहां पर ये मौजूद होता है और इसके ऊपर से लगभग 70 से ज़्यादा जो टन का टैंक होता है वो आसानी से गुजर सकता है और अपने स्थान तक पहुँच कर दुश्मनों के ऊपर वार कर सकता है। पांच फरवरी से शुरू हो रहे डिफेंस एक्सपो को लेकर जहां पे तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं पर इस बार डिफेंस एक्सपो में आप देख सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहां पर वो तमाम टैंक खड़े किए गए हैं जो कहीं ना कहीं से इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और आप देख रहे हैं लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर टैंकों के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। तो डिफेंस एक्सपो में बता सकते हैं आपको कि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे सैनिक मौजूद हैं, लगातार आप उनके हाथों में भी देख रहे हैं हथियार मौजूद हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट है जिसमें लगातार यहां पर जो डिफेंस एक्सपो में आने वाले लोग हैं पहुंच रहे हैं और उन्हें काफी उत्सुकता है इस जगह को लेकर। जिस तरह से कह सकते हैं उन्होंने लगातार इसको सिर्फ मूवीज में देखा है या यूं कहें कि फिल्मों में देखा था, पर उनका सपना वो इस डिफेंस एक्सपो के जरिए पूरा होने वाला है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन अमीश के साथ, R9 TV लखनऊ।